किन्नर भी पहुंचे हैं। इसमें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य स्वामी कौशलेनंदी नंदनगिरी उर्फ टीना माँ भी शामिल है। इसके अलावा 51 जगहों पर प्रधानमंत्री की आरती भी उतारी जाएगी। ये पूरा रोड शो, जिस तरह अंशिका ने बताया, कि करीब 5 घंटे चलेगा और इसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही रथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं। इस रोड शो में मिनी इंडिया, मिनी भारत की झलक दिखाई जाएगी। गंगा किनारे बसे अलग अलग समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ स्वागत भी करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं पैनल में लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शरद जोशी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद जी, आज मध्य प्रदेश के लिए तो भले ही आज लोकसभा चुनाव खत्म हो रहा है, लेकिन अभी पूरे देश में और चरण बाकी हैं, और आज बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, जोशी जी, जी 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 सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि एमपी के तो भले ही आज का आखिरी रण है, आखिरी चरण है चुनाव, लोकसभा चुनाव का, लेकिन देश में अभी और चरण बाकी हैं। और से पहले बनारस में पीएम मोदी का ये रोड शो, नॉमिनेशन से पहले का ये तस्वीरें, क्या संदेश देंगी?